आपके अपने चैनल डी किचन क्वीन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कैबेज विद मलाई कॉर्न। मैं रेड कैबेज आज आपके साथ बनाने वाली हूँ और आइए शुरू करते हैं इसको। आप सबको कम सामान में अच्छा खाना बनाना सिखाना ही मेरा उद्देश्य है, तो आइए ये बहुत आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप कॉर्न लिए हैं और इसको मैंने अभी अभी उबाल कर रख लिया है, तो ये हमारे बॉइल्ड कॉर्न है। साथ ही ये मैंने घर की बनी हुई ताजी मलाई एक बड़ा चम्मच ली है। आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं। और ये रेड कैबेज है, तो अब हम कैबेज को गर्म पानी में बॉइल करेंगे। कैबेज को अब हम चेक करेंगे कि ये गल गई है या नहीं। जो ग्रीन कैबेज आती है उसके मुकाबले इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, अभी थोड़ी सी कसर है इसके गलने में। और अगर हम इसको बिना उबाले ही छौंक लेंगे तो बहुत देर में ये गलेगी। इसका नीला रंग ही कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम लग रहा है कि मैंने रंग डाल के उबाला है। यही हमारी प्रकृति की खासियत है कि हर रंग की सब्जी और फल प्रकृति हमें देती है। ये पत्ता गोभी हमारे कई रोगों में फायदा करती है, बस लेकिन ये कम मिलती है, ये जरूर एक दिक्कत रहती है। ये रेड कैबेज बहुत अच्छी तरह से हमारी बॉईल हो गई है, लेकिन इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत, और बॉईल होने के बाद इसका रंग और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया। इसके लिए हमें किसी विशेष मसाले की आवश्यकता नहीं है। ये मीट मसाला, सब्जी मसाला या शाही पनीर या किचन किंग, इस तरह का कोई भी मसाला हो तो वही हमें थोड़े से मसाले की आवश्यकता होती है। ये मैंने ताजी मलाई ली है, तो हम मलाई को डाल देंगे। अब हम इसमें जो भी मसाला लिया है वो थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ये सब्जी मैं बिना प्याज बिना लहसुन के बना रही हूँ, तो बिल्कुल कोई आवश्यकता भी नहीं है, वरना सब्जी का अपना टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न जो मैंने बॉईल करके रखे थे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये बॉईल रेड कैबेज। आप इसे रेड कैबेज भी कह सकते हैं या अब तो इसको ब्लैक कैबेज भी कह सकते हैं। साथ ही इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च की आवश्यकता इसमें नहीं है, टेस्ट के अनुसार काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम कैबेज को बॉईल करते समय भी डाल चुके हैं, तो अब थोड़ा ही नमक डालेंगे इसमें। हम इसमें बस दो चार बूंद एक चम्मच के बराबर इसमें हमने पानी डाला है, और अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी में, बिल्कुल बनकर तैयार है। होटल स्टाइल सब्जी हम घर में भी बना लेते हैं, रेड कैबेज विद कॉर्न एंड मलाई। मैं मलाई से ही गार्निश कर रही हूँ। जो मलाई मैंने इसमें डाली है, पूरी सब्जी में मलाई का बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैंने चूंकि घर की मलाई डाली है इसलिए मैं मलाई ही कह रही हूँ आपसे। अगर आप क्रीम डालते हैं बाजार वाली तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, और मलाई से ही हम इसे गार्निश कर देंगे।
फ्रेंड्स, हमारी कैबेज कॉर्न विद मलाई बनकर तैयार है। और एक बात और कि ये सब्जी आज मैंने पहली बार बनाई। ये ब्लैक कैबेज की सब्जी, मैं और तो डिशे बनाती रही हूँ इसकी, लेकिन ब्लैक कैबेज की सब्जी इस तरह से मैंने पहली बार बनाई है। मैं इस सब्जी को टेस्ट करके आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब्जी कैसी बनी है, तो मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। वाह, इतना ज्यादा सोंधापन और इतना अच्छा मलाई का टेस्ट इसमें आ रहा है, और जो मसाला मैंने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम ना ज्यादा, और इसे तो पराठे के साथ खाने में वाह आनंद आ जाएगा। तो प्लीज आप भी बनाइए ये सब्जी और मुझे बताइए कि रेड या ब्लैक, कुछ भी कह सकते हैं, कि कैबेज की और कॉर्न की सब्जी कैसी बनी है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी चीजें और बताऊंगी जिसे मैं खुद पहली बार बना रही हूँ।